तो अगर आप चाहते हैं कि आपको औलाद पैदा हो, तो आपने इन पांच चीजों से बिल्कुल बायकॉट कर देना है। आप भी चाहते हैं कि आपको बेबी पैदा हो, तो आपने इन पांच चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करना है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक हारिस है और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ जी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, और उसके इस्तेमाल की वजह से आपके जो स्पर्म हैं, आपके जो एग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी वो है प्रोसेस्ड मीट। प्रोसेस्ड मीट क्या होता है? ये वो खुराक होती है, ये वो मीट होता है, गोश्त होता है, जो बनी बनाई पैकिंग में आपको मार्केट से बिल्कुल इजीली अवेलेबल होता है। एक समझ लें कि ये एक ऐसा जहर है जो आप बहुत ज़्यादा पैसे दे के बड़ी खूबसूरत पैकिंग के साथ घर में लेके आते हैं। इसके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स मौजूद होते हैं, केमिकल्स मौजूद होते हैं, इसके अंदर कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होती, और काफ़ी ज़्यादा ये पुराना मीट होता है, जाहिर है फ्रोज़न फूड होती है बेसिकली ये। और इसके अलावा इसके इस्तेमाल से जो ओव्यूलेशन है, जो फीमेल के अंदर अंडा बनने का जो अमल है, वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होता है। जो अंडे बनते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब बनते हैं। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा करा देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ऑक्सीडेशन की वजह से जो स्पर्म है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर होते हैं। स्पर्म के अंदर जो डीएनए है उसकी बुरी तरह ये फ्रेगमेंटेशन करा देते हैं, और जो बेबीज पैदा होने की उनके अंदर सलाहियत होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप साहिब औलाद बनना चाहते हैं तो आपने प्रोसेस मीट बिल्कुल भी नहीं खाना। दूसरे नंबर पे आ जाती है ट्रांस फैट का इस्तेमाल। ट्रांस फैट से मुराद ये है कि आपने तली हुई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी। तली हुई चीज़ों में अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो आप इंजॉय करके चीज़ें खाते हैं, जैसे आप मैकडोनल्ड्स वगैरह पर जाते हैं तो फ्रेंच फ्राइज़ आप इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं उनके अंदर, ख़ास तौर पे अगर आप ऐसी फ्राइड चीज़ें बाहर से इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा केमिकल प्रिजर्वेटिव जो हैं वो शामिल होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मनफी असरात देखने में आते हैं। इसके अलावा जो भी तली हुई चीज़ें हैं आपने उनसे बिल्कुल परहेज़ करना है, चाहे वो तले हुए पकौड़े हों, तले हुए समोसे हों, या इससे मिलती जुलती कोई भी अशिया हों। तेल का इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। इसके अलावा अगर आपने तेल का इस्तेमाल करना ही है तो कोशिश करें कि जैतून का तेल इस्तेमाल करें या सरसों का तेल इस्तेमाल करें। ये दोनों जो हैं खाने के लिए बहुत अच्छे और मुफीद होते हैं। आपको जो चाहिए वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो आपको अपनी खुराक के अंदर ऐसी चीज़ें ज़रूर ऐड करनी हैं जो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं आपकी बॉडी के अंदर लाजमी अच्छी मिकदार में प्रोवाइड करें। जैसे कुछ फिशेज़ होती हैं, इसके अलावा कुछ ऑलिव ऑयल वगैरह होते हैं, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो तनासुब है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तीसरे नंबर पे जो बात आती है वो है फ़िश मीट। अब फ़िश मीट जो है उसके अंदर कुछ ऐसी फिशेज़ होती हैं जिसके अंदर मरकरी का या पारे का कंटेंट गोश्त में ज़्यादा होता है। अब ये फिशेज़ जो हैं इनमें जो सरफहरिस्त हैं वो एक तो है सॉल्ट फ़िश और दूसरे नंबर पर है मैकरल फ़िश। मैकरल फ़िश को पाकिस्तान में सुरमई मछली के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसी फ़िशेज़ हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मरकरी होता है, और ये मरकरी जो है वो आपके स्पर्म की हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है, और बेसिकली ये जो गैमेट्स हमारे बनते हैं उनके बनने के अमल को, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ों को बुरी तरह मुतासिर करते हैं। चौथे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपने शुगर को अवॉइड करना है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर मीठा पाया जाए वो आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है। शुगर क्या करता है? शुगर बेसिकली आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को ख़राब कर देता है, आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा कर देता है। शुगर के इस्तेमाल की वजह से फीमेल्स के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बनने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वेट गेन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, वेट गेन की वजह से ओबेसिटी हो जाती है, ओबेसिटी की वजह से होने वाले बहुत सारे मसाइल जो हैं बॉडी में आ जाते हैं, दिल के मसाइल सामने आते हैं, इसके अलावा बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती हैं, और इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा करा देता है। हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से आपकी जो ओव्यूलेशन है, इसके अलावा जो स्पर्म प्रोडक्शन है, ये दोनों चीज़ें मतलब मेल और फीमेल दोनों चीज़ों को बहुत बुरी तरह मुतासिर करती है। पाँचवें नंबर पर जो आपने चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी वो है आर्टिफिशियल स्वीटनर। अब आपने मीठा तो छोड़ दिया, लेकिन उस मीठे की कमी को पूरा करने के लिए आप लाजमी आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर जो भी आप यूज़ करें उसके अंदर सैक्रीन, सुक्रोलोज या एस्पार्टेम हो, ये सारी चीज़ें जो हैं बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती हैं, और जब भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये बहुत बुरी तरह, बेसिकली ये केमिकल होते हैं, तो ये बहुत बुरी तरह आपके स्पर्म को, आपकी जो ओव्यूलेशन है, आपके एग्स हैं, इन सब चीज़ों को बहुत बुरी तरह मुतासिर करती हैं। एस्पार्टम के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ,
आप वो भी देख सकते हैं। उसके नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए WHO ने तो उसको एक ऐसी प्रोडक्ट भी लेबल कर दिया है जो इसकी वजह से कैंसर पैदा हो सकता है बॉडी के अंदर। तो तो अगर आप चाहते हैं कि आपको औलाद पैदा हो तो आपने इन 5 चीज़ों से बिल्कुल बायकॉट कर देना है। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, प्रोसेस मीट। दूसरे नंबर पे ट्रांस फैट या ऑयली फूड्स। तीसरे नंबर पे शुगर का इस्तेमाल। चौथे नंबर पे हाई मर्करी फिश। और 5वें नंबर पे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। तो ये 5 चीज़ें बिल्कुल मत खाएं और जल्द अज़ जल्द बेबी पाएं। आई होप आई आपको ये होप वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।